हेलो एवरीवन, आई होप यू लर्निंग वेल। अभी हम बोहर एटॉमिक मॉडल को देखने जा रहे हैं और ग्रेजुअली हम इसके पोस्टुलेट्स को देखेंगे और साथ साथ हम इसकी मैथमेटिक्स को भी देखते जाएंगे। सो बोहर एटॉमिक मॉडल पे एक तो ये पार्ट होगा, इसके अलावा और भी पार्ट्स होंगे। तो बोहर एटॉमिक मॉडल का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है, ठीक है, इसके और भी पोस्टुलेट्स हम ऐड करते जाएंगे। तो इस वीडियो में दो पोस्टुलेट ही इफेक्टिवली ऐड होंगे या दूसरे का कुछ पार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला पोस्टुलेट जो है वो है कि एटम किस तरह का है, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है, ये सारी सिचुएशन। तो हमें तो ये पहले से पता है कि जी जो है इससे हम यूज़ करते हैं एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, मींस कि न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं या न्यूक्लियस पे और का टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं, ठीक है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो द इलेक्ट्रॉन, हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इसका चार्ज ये है, इन एटम इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद चार्ज, जिसका चार्ज क्या है, न्यूक्लियस का चार्ज भी आप रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज़ जी ई, ठीक है, प्लस प्लस मीन्स प्रोटॉन्स का चार्ज, ठीक है, 1.602 × 10⁻¹⁹, ये भी वही है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। तो रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद चार्ज जी ई, ठीक है, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक हो गया। तो ये पहला पोस्टुलेट है जिसमें हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करेंगे, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं लेंगे, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन का जो सिस्टम बनते हैं ना वो हम न्यूक्लियाई लेंगे, यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होते हैं, जैसे सोडियम आयन है, ठीक है, वो इफेक्टिवली देखा जाए तो वो भी हम इसी कैटेगरी में लेते होते हैं कि जिसमें इफेक्टिवली एक ही चार्ज होता है और सबका इफेक्ट कैंसिल आउट ही हो जाता है, तो वो इफेक्ट हो रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियस इस तरह से। या हाइड्रोजन एटम मेनली एक बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स या आयंस हो गए जो कि यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाते हैं, उनके बारे में हम बात करें, तो जिनमें एक इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव मौजूद होता है क्लाउड में, और दूसरा जो है न्यूक्लियस है जिसका चार्ज तो जी ई प्लस ई होता है, ठीक है, हम ऐसे सिस्टम्स ले रहे हैं। तो अगर इसकी फिगर बनाएं तो ये इस तरह से होगी, ये न्यूक्लियस है जिसका ये चार्ज है और ये कोई इलेक्ट्रॉन है किसी, हम रफ अगर बनाएं तो इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या होगा आर, जिसे हम रेडियस या फिर ऑर्बिट का रेडियस भी हम कह सकते हैं, ठीक है, और ये किसी वी स्पीड से मूव कर रहा होगा, ठीक है, जो कि स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स की, और कोई एनर्जी इसकी ई होगी, कोई काइनेटिक एनर्जी इसकी ई होगी, कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस तरह का सब कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, ये इफेक्टिवली मोर और लेस ऐसा ही है जैसे प्लैनेटरी मॉडल का था, लेकिन इसमें एडिशंस मोर जो बोहर एटॉमिक मॉडल का जो मेन क्रक्स है वो नेक्स्ट वन आता जाएगा। तो इसमें जो रेडियस की फ़िलहाल के लिए और स्पीड की फ़िलहाल के लिए जो वैल्यूज़ हम निकालेंगे एनर्जी की, वो वैसे ही होंगी जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में प्लैनेटरी मॉडल में डिराइव की थी। तो इसमें भी हम यही देखेंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इक्वल्स द कोलंबिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस जिसका चार्ज ये और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4πE₀r², ठीक है, वेयर आर इज़ द स्पीड, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वी इज़ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जी ई इज़ द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस एंड जी इज़ द एटॉमिक नंबर एंड ई इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि हम फेमिलियर हैं बहुत, और एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मुलेशन सारी इलेक्ट्रॉन के बारे में उसकी मैकेनिक स्टडी की जा रही है। तो यहाँ पे अगर वी स्क्वेयर एक तरफ कर दें और सारी चीज़ों को ले जाएं तो ये जी स्क्वेयर आर ऊपर चला गया, एम नीचे आ जाएगा, 4πme₀r², एक आर कैंसिल हो जाएगा तो नीचे एक आर बच जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन वन का नाम दे सकते हैं, ठीक है, ये स्पीड के स्क्वेयर की रिलेशन आ चुकी है, जिसे अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो हमारे पास अंडर रूट क्या होता है, 1/2 होती है, होल सिचुएशन की 1/2, तो ये स्पीड आ चुकी है इलेक्ट्रॉन्स की। और रेडियस को इलादा करना चाहें तो यहाँ से इस इक्वेशन से ही कर देंगे, आर इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा सिंपली, तो ये भी एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं फॉर द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट्स फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो ये तीन इक्वेशन ये होगी। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, ठीक है, 1/2 mv² होती है, ठीक है, तो 1/2 mv², v² की वैल्यू ये है। तो ये अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो ये वही यहाँ तक सिचुएशन जा रही है, ठीक है, v² की ये वैल्यू थी, यहाँ पे मैंने सिंपली पुट कर दी, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, mm कैंसिल हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा सिंपली, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, ठीक हो गया। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं और भी टोटल एनर्जी देखते हैं। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें जो कि इलेक्ट्रॉन के पास है, तो उसका यहाँ पे एक डिफरेंस आ चुका है कि हमने एटॉमिक नंबर
जी को इन्वॉल्व किया है, ठीक है। प्लेनेटरी मॉडल में हाइड्रोजन एटम का एक केस लिया हुआ था, तो उसमें भी अगर हम इस तरह का केस लेना चाहें तो वो भी सेम सिचुएशन होगी, मींस द सेम सिचुएशन गोज़ विद द प्लेनेटरी मॉडल, लेकिन नेक्स्ट अजम्पशंस जो एड अप होंगी वो बोहर एटॉमिक मॉडल का प्राइमरीली उसका पार्ट होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन और जी ई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 बाई ई नॉट आर आ जाएगा सिंपली, माइनस जी ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 बाई ई नॉट आर, दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन के पास है। दिस इज़ कोलम्बिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि कोलम्बिक अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन जो कि एटम को मेकअप कर रहा है। तो एक्चुअली में वही एक चीज़ है जो कि एटम को इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को न्यूक्लियस को एक दूसरे से जोड़े हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी इन द टोटल एनर्जी इफ यू सी देन इट विल बी द सम ऑफ दीज टू एनर्जीज, ठीक है। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम ही होती है। तो काइनेटिक एनर्जी हमने देखी थी जी ई स्क्वेयर ओवर 8 पाई ई नॉट आर है, जबकि ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो कॉमन आ जाएगा जी ई स्क्वेयर ओवर 4 पाई ई नॉट आर कॉमन ले लेते हैं तो बच गया 1 ओवर 2 माइनस 1, जिसका रिजल्ट आता है माइनस 1 ओवर 2 इंटू जी ई स्क्वेयर ओवर 4 पाई ई नॉट आर। तो ये माइनस साइन बाई ले जाते हैं जी ई स्क्वेयर ओवर 8 4 टू 8 होता है 8 पाई ई नॉट आर, ये है टोटल एनर्जी। और हम अगर काइनेटिक एनर्जी देखें तो ये है काइनेटिक एनर्जी और ये है टोटल एनर्जी, बोथ आर हमारे इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ई इक्वल्स माइनस, यहाँ पे ये चीज़ ये जो है ये काइनेटिक एनर्जी है ना, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है लेकिन नेगेटिव इन साइन, ठीक है, जो कि शो करता है जब टोटल एनर्जी नेगेटिव होना ओवरऑल तो मीन्स कि जो पोटेंशियल है अट्रैक्टिव है और जो सिस्टम है वो बाउंडेड सिस्टम है, ठीक है। नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी अट्रैक्शन को शो करती है, टोटल अगर एनर्जी नेगेटिव है तो इट मीन्स द सिस्टम या फिर जिस पार्टिकल को आप स्टडी कर रहे हैं वो बाउंडेड है, ठीक है, वो फ्री नहीं है, वो बाउंडेड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बेचारा भी बाउंडेड है टू द न्यूक्लियस, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी इस चीज़ को शो करती होती है। तो यहाँ तक हमने ये सिचुएशन देख ली। अब ये जो इक्वेशन टू है, ठीक है, स्पीड हमें पता है, हमें मिल चुकी है। अब इसको हम रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से थोड़ा रिलेट करते हैं, थोड़ी इसमें रोटेशनल मोशन को इन्वॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या सिचुएशन इससे बन सकती है। तो अगर हम वो करें तो मैं यहाँ पे वी का रिलेशन लिखती हूँ, वी इज़ इक्वल्स टू जी ई स्क्वेयर ओवर 4 पाई एम ई नॉट आर, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर टू जो मैंने नाम किया था उसको, तो ये है। और बाय रोटेशनल डायनामिक्स हमें पता है द लीनियर स्पीड, जो लीनियर स्पीड होती है ये इज़ रिलेटेड टू एंगुलर वेलोसिटी, जिसे हम ओमेगा कहते हैं, ठीक है, या एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी इसे कहते हैं हम, बाय फॉलोइंग रिलेशन वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। इसको एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी हम कहते हैं। तो ये उसका लीनियर होता है अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे अगर ओमेगा हमें चाहिए तो वी बाय आर कर लेंगे तो हमें ओमेगा मिल जाएगा। तो ओमेगा हेंस क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू लिखते हैं 1 ओवर आर, तो पहले से वी की वैल्यू ये पुट करते हैं, तो ये जी ई स्क्वायर ओवर 4 बाय ई नॉट आर की होल पावर 1/2, ठीक है। तो अब अगर एक काम करें ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, ये 1 ओवर आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये आर को अंदर पहले मल्टीप्लाई करते हैं आर स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा जी स्क्वायर ओवर 4 पाई ई नॉट आर क्यूब हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। अगर ओमेगा चाहिए तो फिर से अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है, 4 पाई ई नॉट आर क्यूब की होल पावर 1/2, ओके। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हम आर और ओमेगा के दरमियान का रिलेशन देखते हैं क्या बनता है, तो 4 पाई ई नॉट की होल पावर 1/2 लेता कर लेते हैं, और ये 1 ओवर आर की पावर 3 है ना, और ये वाली पावर मल्टीप्लाई होगी 3 × 1/2 आएगा, ठीक है, इसकी पावर जो कि हो जाएगी 3/2, तो इसकी पावर आ गई 3/2। तो ओमेगा का रिलेशन हम देख सकते हैं कि रेडियस के साथ क्या है, आर टू द पावर 3/2 है, ठीक है। और क्योंकि जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है और जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी होती है एफ, ठीक है, दोनों रिलेट कर रही होती हैं डायरेक्टली, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf, ठीक है। तो इफ़ नाओ यहाँ पर आप रेफरेंस देंगे नाओ एज एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा एंड एफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है, आर डायरेक्टली रिलेटेड, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड ही है ना, कि एक कॉन्स्टेंट ही मल्टीप्लाई हो रहा है एफ के साथ, तो हमें ओमेगा मिल जाएगा। और इसी तरह अगर एफ चाहिए तो क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई टू पाई, मतलब एक कॉन्स्टेंट डिवाइड हो रहा है। तो ये चीज़ इफेक्टिवली उसके रिलेशन को अल्टर नहीं करती। सो जो रिलेशन ओमेगा का रेडियस के साथ है वैसा ही रिलेशन होगा फ्रिक्वेंसी का भी आर के साथ, जो कि है के, हेंस क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी प्रोपोर्शनल होगी 1 ओवर आर की पावर 3/2,
या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से ओमेगा निकाल लिया है ना हमने, ये तो ये वाली सिचुएशन यूज़ करते हुए एफ इज इक्वल टू ओमेगा बाई टू पाई, टू पाई से यहाँ पे डिवाइड कर दें तो आपको फिर भी ये सिचुएशन मिल जाएगी, आप ये फिर लिख सकेंगे। ठीक है, तो ये फ्रिक्वेंसी है एफ, ठीक है, और उसके पास कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि वो कौन सी फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को इमिट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से अगर हम इसे रिलेट करें तो जिस फ्रिक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, उसी फ्रिक्वेंसी की वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब लाइट, ठीक है, तो हम स्पेक्ट्रम से इसे रिलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्पेक्ट्रम को लाना चाहते हैं ना, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का इशू वो, तो इसलिए हम इसे ओमेगा और फ्रिक्वेंसी की तरफ लेके आए। तो अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो हम देख सकते हैं कि एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू वन ओवर आर टू द पावर थ्री बाई टू, और इसमें आर पे कोई भी बंदिश नहीं है, ठीक है, कि आर ये नहीं हो सकता, आर वो नहीं हो सकता, आर की कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है एक्सेप्ट जीरो, मतलब वो न्यूक्लियस के ऊपर सेंटर पे नहीं लाइक कर सकता, दैट्स ऑब्वियस, लेकिन उसके अलावा कोई भी वैल्यू वो रख सकता है, कोई भी बंदिश नहीं है इलेक्ट्रॉन पे, एंड हैंस कोई भी फ्रिक्वेंसी की लाइट को इमिट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि एफ़ की कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि आर की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि रेडियस क्या हो, तो यहाँ पे ये इक्वेशन मतलब इस चीज़ को शो कर रही है। अभी क्योंकि हमने बोहर का वो पोस्टुलेट नहीं ऐड किया जो कि मेन क्वांटाइजेशन को लाता है, जो कि है एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन, तो वो क्वांटाइजेशन फिर आर को क्वांटाइज करेगी, हेंस कुछ फ्रिक्वेंसीज ही अलाउड होंगी एज अ रिजल्ट। तो ये जो मैंने बातें लिखी हैं इस इक्वेशन तक आने के बाद आपने वो बातें लिखनी हैं, आप लिखने लिखना है कि ये इक्वेशन अभी तक तो यही शो कर रही है कि कोई भी रेडियस जो है उस पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदिश नहीं है अपेरेंटली हम देख सकते हैं, और हेंस उसकी रिवॉल्विंग फ्रिक्वेंसी जो है जिससे वो रिवॉल्व कर रहा है, और जिस फ्रिक्वेंसी से वो रिवॉल्व कर रहा होगा उसी फ्रिक्वेंसी की वो ईएम वेव्स विच आर लाइट को इमिट करेगा, ठीक है। तो हेंस इट शोज अपेरेंटली टिल नाउ के जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस होगा, लेकिन जो चीज़ उसको क्वांटाइज करेगी दैट इज़ द बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट, जो कि इस इशू को रिजॉल्व करेगा, ठीक है। यहाँ तक हम सिचुएशन लेके आए, आप सेकंड पोस्टुलेट को ऐड करेंगे दैट विल रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम, एंड दैट पोस्टुलेट इज़ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटाइज्ड and is given by एम वी आर इक्वल्स एन एच कट, एच कट कह सकते हैं या फिर आप एच कट की जगह एच बाई टू पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये है एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, ठीक हो गया। तो इससे हम अगर एन की वैल्यू देखें, एन एन एक इंटीजर वैल्यू रख सकता है, ठीक है, इंटीजर वैल्यूज़ हैं और ये वैल्यूज़ हैं ज़ीरो के अलावा, ठीक है, ज़ीरो नहीं हो सकता, तो कोई ओके एन की ये वैल्यूज़ हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़, और ये चीज़ आर को क्वांटाइज करेगी। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम ऑर्बिटल रेडियस, बोहर रेडियस फॉर्मूला उसको हम डिराइव करेंगे, तो यहाँ से हम स्पीड को इलादा करते हैं, तो हमें मिल जाएगा वी इक्वल्स एन एच बाई टू पाई, और एम आर भी इधर आ जाएंगे, तो ये हमें सिचुएशन मिल चुकी है, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर जो भी नंबर बनता है आप वो दे दें, फिर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ठीक है, इनको हम इक्वेट करते हैं क्योंकि दोनों स्पीड को शो करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, तो वहाँ से हम जी स्क्वायर ओवर फोर पाई एम ई नॉट आर इलादा करते हैं, मतलब लिखते हैं एक तरफ, ठीक है, और वी की इससे जो वैल्यू आती है वो एक तरफ लिखते हैं। अब अंडर रूट को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर लेंगे, और सॉल्व करके आर को इलादा कर लेंगे, तो ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और सिंपली जी स्क्वायर ओवर फोर पाई एम ई नॉट आर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, उसका ओपन हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, हर चीज़ का स्क्वायर बन जाएगा। अब आर स्क्वायर को इधर ले आते हैं और आर के अलावा इधर से सारी चीज़ें उधर ले जाते हैं, तो ये एक आर स्क्वायर इधर आ जाएगा और एक आर पहले से डिनोमिनेटर में मौजूद था, ठीक है, और एन स्क्वायर एच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ये पहले से यहाँ पर मौजूद है, ये वाली चीज़ यहाँ ऊपर आ जाएगी और जी इसको यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करते हैं, एक आर कैंसिल, यहाँ पे आर बच गया, ठीक है, सो आर इक्वल्स टू आ जाएगा फोर फोर कैंसिल, ओके, एक पाई कैंसिल हो जाएगा और एक एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बच गया एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर ई नॉट बाय जी ई स्क्वेयर पाई एम, ठीक है, ये हमारे पास बच चुका है और इसको हम रेडियस का फॉर्मूला कहेंगे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर की वैल्यू एन पे डिपेंड कर रही है, तो उसकी सबस्क्रिप्ट में एन लिख देंगे, तो ये हमारे पास बोहर रेडियस का फॉर्मूला आया है जिसमें ये एन स्क्वेयर टाइम्स एच स्क्वेयर ई नॉट बाय जी ई स्क्वेयर बाय एम आया है, ठीक है,
एंड आर एन इज़ प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर, ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं और ये कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है फॉर अ गिवन सिस्टम, इलेक्ट्रॉन का सिस्टम, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, एच भी कॉन्स्टेंट, ई नॉट भी कॉन्स्टेंट, वाई भी कॉन्स्टेंट, तो आर एन हम देख सकते हैं कॉन्स्टेंट टाइम्स एन स्क्वेयर है, और वो कॉन्स्टेंट जो है ए नॉट बोर्स फर्स्ट रेडियस बनता है, ठीक है, आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और ए नॉट क्या है, ये है एक्चुअली वैल्यू जिसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, और इसको एक और फॉर्म में एच कट की फॉर्म में भी लिखा जाता है, तो अगर वो भी हम लिखें, तो अगर हम चाहते हैं एच कट आए, तो एच कट होता है एच बाई टू पाई, तो एच स्क्वेयर है तो एच स्क्वेयर है तो एच बाई टू पाई, और अगर एच स्क्वेयर करना है तो एच स्क्वेयर बाई टू पाई स्क्वेयर, फोर पाई स्क्वेयर होना चाहिए, तो फोर पाई स्क्वेयर नीचे डिवाइड करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये h बाई टू पाई का होल स्क्वायर बनता है, जिसे हम एच कट स्क्वायर कह सकते हैं, तो ये एच कट स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर ई नॉट बाई जी ई स्क्वायर, पाई एम है, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ गया n स्क्वायर फोर पाई एच कट स्क्वायर ई नॉट बाई जी ई स्क्वायर एम, ठीक है, ये रेडियस का फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास, ठीक है, ये एच कट के फॉर्म में भी हमने इसे डिराइव कर लिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेटेड और भी देखेंगे, स्पीड्स की वैल्यूज़, एनर्जीज़ की वैल्यूज़, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। ये जो फर्स्ट ऑर्बिट आता है ना, चूँकि एन इज इक्वल्स टू वन के लिए बनता है, उसको बोहर रेडियस पर्टिकुलरली कहते हैं, तो एन स्क्वेयर फोर पाई ई नॉट एच कट स्क्वेयर अवर एम ई स्क्वेयर जी, ठीक है, इसको अगर मैं री राइट करूँ तो इसमें ये जो ये हाइड्रोजन एटम का अगर केस किया जाए जिसमें जी इज इक्वल्स टू वन होता है, तो ये जो इसकी वैल्यू आती है ना, इसको बोहर रेडियस कहा जाता है, ठीक है, और ये रेडियस का फॉर्मूला है इन जनरल, जो कि बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंगली है, और इसमें एन की वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन है, और एन की वैल्यूज़ क्योंकि क्वांटाइज्ड हैं, इंटीजर वैल्यूज़ हैं, हेंस रेडियस के भी कुछ फिक्स वैल्यूज़ ही आएंगी एज सॉल्यूशन, एंड हेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो हर पोजीशन पे नहीं हो सकता, कुछ फ्यू पोजीशंस हैं जो कि एन की वैल्यू डिटरमिन करेगी जिन पे वो हो सकता है, ठीक है, तो एन इज इक्वल्स टू वन पे जो वैल्यू होगी उसे आर वन का नाम देंगे, और अगर वो हाइड्रोजन एटम है तो उसे ए नॉट का नाम दिया जाता है, जिसे वो रेडियस का नाम दिया जाता है, एन इज इक्वल्स टू टू के लिए आर टू, आर थ्री, आर फोर, तो इस तरह से हमें ऑर्बिट्स की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, और उन्हीं ऑर्बिट्स में एटम रह सकते हैं, उसके अलावा किसी पोजीशन पे नहीं रह सकता, तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन से इस पोस्टुलेट से क्वांटाइजेशन नतीजे में आई, और सिर्फ फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, उनके अलावा किसी और ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है, और क्योंकि उसकी पोजीशन जो कि आर है वो फिक्स्ड है, और आर और एम आर के अलावा जो वी है वो भी उसी से डिटरमिन होगा, और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड हेंस वो भी उसी से डिटरमिन होगी, तो अगर पोजीशन उसकी फिक्स्ड है तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी फिक्स्ड होगी, और हेंस एनर्जी क्वांटाइजेशन भी इससे रिजल्ट होगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी क्वांटाइजेशन, एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा था टोटल एनर्जी, दैट वॉज माइनस जी ई स्क्वेयर ओवर एट पाई ई नॉट आर, अगर आर एन पे डिपेंड कर रहा है तो ई भी इन टर्न एन पे डिपेंड करेगी, ठीक है, तो एनर्जी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, तो यहाँ पे हमने सेकंड पोस्टुलेट को यूज़ करते हुए पोजीशन क्वांटाइजेशन को देखा और ऑर्बिट्स देखे, ठीक है, आप इनमें वैल्यूज इनकी पुट करके देख सकते हैं, जी इज़ इक्वल्स टू वन लेते हुए हाइड्रोजन आइटम के लिए अलाउड इन जो ऑर्बिट्स हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि सारे कॉन्स्टेंट्स नॉन हैं, ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने देख लिया है, नेक्स्ट उसका पार्ट टू हम करेंगे, और उसमें और डिटेल्स देखेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल के रिलेटेड, ठीक है, क्वांटाइजेशन के बारे में और चीज़ें भी देखेंगे, तो उन वीडियोस के अपलोड होने के बाद मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से उसको रीच आउट कर सकते हैं, आई होप आपको समझ आया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये हाँ ये कर दें।